वेल तो जी आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर आजकल हॉरर, थ्रिल, फैंटेसी ये सारे के सारे जेनर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मूवी देखी जो कि एक हॉरर मूवी है, एंड आई थिंक आप लोगों को भी ये देखनी चाहिए। आप लोगों ने आज तक जो हॉरर मूवीज़ देखी होंगी उनमें आप लोगों को देखा होगा कि एक लड़की है उसमें आत्मा आ जाती है, इस तरह की सारी हॉरर मूवीज़ आप लोगों ने देखी होगी, एक लड़के में, लड़की में, या फिर ऐसी कुछ आप लोगों ने हॉरर मूवीज़ देखी होंगी। लेकिन आज जो हॉरर मूवी लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने ये हॉरर मूवी पहले देखी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2009 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13B फियर हैज़ अ न्यू ड्रेस। जी हाँ, यहाँ पर जो है वो फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, एंड बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से डराने की कोशिश भी की गई है। एंड अगर आप लोग बहुत छोटा दिल रखते हो तो आई थिंक आप लोग डर भी जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग हॉरर मूवीज़ देख चुके हैं बहुत सारी, तो आप लोगों को आई थिंक डर नहीं लगेगा, एंड आप लोग लिटरली इस मूवी को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे। बाकी यहाँ पर और भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को एक मर्तबा सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, चंद एक MB ही जाएंगी, लेकिन हमारी मोटिवेशन मिल जाएगी हमें कि हम इस तरह की और वीडियोस लाते रहें। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा, एंड मूवी ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी, अगर फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी तो इनडायरेक्टली उसका बॉक्स ऑफिस भी अच्छा होगा, एंड उसी के साथ साथ ये सारा कुछ जो है वो ऐसे ही चलता रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सारा कुछ। अगर आप लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तनासब मिकदारें हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती रहती हैं। जिस तरह से हमारी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी उस तरह से हमारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बढ़ने का भी चांस बढ़ता रहता है। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो कास्टिंग में आप लोगों को आर माधवन, नीतू चंद्रा, सचिन खेडकर, दीपक डोबरियाल, रवि बाबू और मुरली शर्मा जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, क्या है क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा हॉरर प्लस म्यूजिक, जो कि लिटरली बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है, एंड आई थिंक आप लोगों को ये सारा कुछ एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है, एंड IMDB रेटिंग क्या है, क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है, एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है, एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 79% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। एंड इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा, एंड मूवी में जान भी होगी। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से विक्रम कुमार ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है। लेकिन यहीं पर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालेंगे कि इन्होंने पास्ट में कोई अच्छी मूवीज़ दी हैं या नहीं। तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में बहुत सारी अच्छी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर थैंक यू, नैनीज गैंग लीडर, हेलो, सिम्हा हकीड़ा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को 24, इश्क 13B, और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए।
उसी के साथ साथ हम बात करेंगे ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी। बहुत ही ईजी अवेलेबल है, ये प्योर हिंदी जुबान में भी और तमिल में अवेलेबल कर दी गई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक मर्तबा देखना चाहिए। अगर यहीं पर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी, जॉर्ज पियर्स और राजेश सावने देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो पीसी श्रीराम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे। एडिटिंग को यहाँ पर श्रीकर प्रसाद ने संभाला। सॉन्ग्स एंड बीजीएम आप लोगों को यहाँ पर सुनने को मिलेंगे तो सॉन्ग्स को यहाँ पर शंकर एहसान और लुई ने हैंडल किया एंड बीजीएम को यहाँ पर टूबी और पारिक ने संभाला है। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाइड एंगल क्रिएशंस देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है जिसने काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट किया है, तो एक चांस डेफिनेटली देना बनता। वेल तो जी आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर आजकल हॉरर थ्रिल फैंटेसी ये सारे के सारे जेनर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मूवी देखी जो कि एक हॉरर मूवी है एंड आई थिंक आप लोगों को भी ये देखनी चाहिए। आप लोगों ने आज तक जो हॉरर मूवीज़ देखी होंगी उनमें आप लोगों को देखा होगा कि एक लड़की है उसमें आत्मा आ जाती है, इस तरह की सारी की सारी हॉरर मूवीज़ आप लोगों ने देखी होगी एक लड़के में लड़की में या फिर ऐसी कुछ आप लोगों ने हॉरर मूवीज़ देखी होंगी। लेकिन आज जो हॉरर मूवी लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने ये हॉरर मूवी पहले देखी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13B फियर हैज़ अ न्यू ड्रेस। जी हाँ, यहाँ पर जो है वो फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एंड बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से डराने की कोशिश भी की गई है एंड अगर आप लोग बहुत छोटा दिल रखते हो तो आई थिंक आप लोग डर भी जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग हॉरर मूवीज़ देख चुके हैं बहुत सारी तो आप लोगों को आई थिंक डर नहीं लगेगा एंड आप लोग लिटरली इस मूवी को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे। बाकी यहाँ पर और भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है तो यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को एक मर्तबा सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, चंद एक MBs ही जाएंगी लेकिन हमारी मोटिवेशन मिल जाएगी हमें कि हम इस तरह की और वीडियोस लाते रहें। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी, अगर फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी तो इनडायरेक्टली उसका बॉक्स ऑफिस भी अच्छा होगा एंड उसी के साथ साथ ये सारा कुछ जो है वो ऐसे ही चलता रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सारा कुछ। अगर आप लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तनासब मकदारें हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती रहती हैं। जिस तरह से हमारी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी उस तरह से हमारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बढ़ने का भी चांस बढ़ता रहता है। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो कास्टिंग में आप लोगों को आर माधवन, नीतू चंद्रा, सचिन खेडकर, दीपक डोबरियाल, रवि बाबू और मुरली शर्मा जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, क्या है क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में
देखने को मिलेगा, हॉरर प्लस म्यूजिक, जो कि लिटरली बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है। एंड आई थिंक आप लोगों को ये सारा कुछ एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड आईएमडीबी रेटिंग क्या है, क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 7.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 79% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। एंड इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी में जान भी होगी। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से विक्रम कुमार ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है। लेकिन यहीं पर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालेंगे कि इन्होंने पास्ट में कोई अच्छी मूवीज़ दी हैं या नहीं। तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में बहुत सारी अच्छी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर थैंक यू, नैनीज गैंग लीडर, हेलो, सिम्हा हकीड़ा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को 24, इश्क 13B, और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई, जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, बहुत ही ईजी अवेलेबल है। ये प्योर हिंदी जुबान में भी और तमिल में अवेलेबल कर दी गई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक मरतबा देखना चाहिए। अगर यहीं पर हम बात करें स्टोरी लाइन की, तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी, जॉर्ज पियर्स और राजेश सावने देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो पीसी श्रीराम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे। एडिटिंग को यहाँ पर श्रीकर प्रसाद ने संभाला। सॉन्ग्स एंड बीजीएम आप लोगों को यहाँ पर सुनने को मिलेंगे, तो सॉन्ग्स को यहाँ पर शंकर, एहसान और लुई ने हैंडल किया एंड बीजीएम को यहाँ पर टूबी और पारिक ने संभाला है। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाइड एंगल क्रिएशंस देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, जिसने काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट किया है, तो एक चांस डेफिनेटली देना बनता। वेल तो जी आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर आजकल हॉरर, थ्रिल, फैंटेसी, ये सारे के सारे जेनर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मूवी देखी जो कि एक हॉरर मूवी है एंड आई थिंक आप लोगों को भी ये देखनी चाहिए। आप लोगों ने आज तक जो हॉरर मूवीज़ देखी होंगी उनमें आप लोगों को देखा होगा कि एक लड़की है उसमें आत्मा आ जाती है, इस तरह की सारी की सारी हॉरर मूवीज़ आप लोगों ने देखी होगी, एक लड़के में, लड़की में, या फिर ऐसी कुछ आप लोगों ने हॉरर मूवीज़ देखी होंगी। लेकिन आज जो हॉरर मूवी लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने ये हॉरर मूवी पहले देखी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13B, फियर हैज़ अ न्यू ड्रेस। जी हाँ, यहाँ पर जो है वो फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एंड बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से डराने की कोशिश भी की गई है। एंड अगर आप लोग बहुत छोटा दिल रखते हो तो आई थिंक आप लोग डर भी जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग हॉरर मूवीज़ देख चुके हैं बहुत सारी, तो आप लोगों को आई थिंक डर नहीं लगेगा एंड आप लोग लिटरली इस मूवी को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे। बाकी यहाँ पर और भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल
सवालात के जवाबात आप लोगों को आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को एक मरतबा सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, चंद एक MBs ही जाएंगी, लेकिन हमारी मोटिवेशन मिल जाएगी हमें कि हम इस तरह की और वीडियोस लाते रहें। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी। अगर फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी तो इनडायरेक्टली उसका बॉक्स ऑफिस भी अच्छा होगा एंड उसी के साथ साथ ये सारा कुछ जो है वो ऐसे ही चलता रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सारा कुछ। अगर आप लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तनासब मकदारें हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती रहती हैं। जिस तरह से हमारी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी उस तरह से हमारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बढ़ने का भी चांस बढ़ता रहता है। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को आर माधवन, नीतू चंद्रा, सचिन खेडकर, दीपक डोबरियाल, रवि बाबू और मुरली शर्मा जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, क्या है क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा हॉरर प्लस म्यूजिक, जो कि लिटरली बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को ये सारा कुछ एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड IMDb रेटिंग क्या है, क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है जी 7.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 79% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है एंड इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी में जान भी होगी। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से विक्रम कुमार ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है। लेकिन यहीं पर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालेंगे कि इन्होंने पास्ट में कोई अच्छी मूवीज़ दी हैं या नहीं। तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में बहुत सारी अच्छी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर थैंक यू, नैनीज गैंग लीडर, हेलो, सिम्हा हकीड़ा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को 24, इश्क 13B और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई, जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, बहुत ही ईजी अवेलेबल है। ये प्योर हिंदी जुबान में भी और तमिल में अवेलेबल कर दी गई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक मरतबा देखना चाहिए। अगर यहीं पर हम बात करें स्टोरी लाइन की, तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी, जॉर्ज पियर्स और राजेश सावने देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो PC श्रीराम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे। एडिटिंग को यहाँ पर श्रीकर प्रसाद ने संभाला। सॉन्ग्स एंड BGM आप लोगों को यहाँ पर सुनने को मिलेंगे, तो सॉन्ग्स को यहाँ पर शंकर, एहसान और लुई ने हैंडल किया एंड BGM को यहाँ पर टूबी और पारिक ने संभाला है। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाइड एंगल क्रिएशंस देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, जिसने काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट किया है, तो एक चांस डेफिनेटली देना बनता। वेल तो जी आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर आजकल हॉरर, थ्रिल, फैंटेसी ये सारे के सारे जेनर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मूवी देखी जो कि एक हॉरर मूवी है एंड आई थिंक आप लोगों को भी ये देखनी चाहिए।
आप लोगों ने आज तक जो हॉरर मूवीज देखी होंगी उनमें आप लोगों को देखा होगा कि एक लड़की है उसमें आत्मा आ जाती है, इस तरह की सारी हॉरर मूवीज आप लोगों ने देखी होगी, एक लड़के में लड़की में या फिर ऐसी कुछ आप लोगों ने हॉरर मूवीज देखी होंगी। लेकिन आज जो हॉरर मूवी लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने ये हॉरर मूवी पहले देखी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13B फियर हैज़ अ न्यू ड्रेस। जी हाँ, यहाँ पर जो है वो फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एंड बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से डराने की कोशिश भी की गई है। एंड अगर आप लोग बहुत छोटा दिल रखते हो तो आई थिंक आप लोग डर भी जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग हॉरर मूवीज़ देख चुके हैं बहुत सारी तो आप लोगों को आई थिंक डर नहीं लगेगा एंड आप लोग लिटरली इस मूवी को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे। बाकी यहाँ पर और भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को एक मरतबा सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, चंद एक MBs ही जाएंगी, लेकिन हमारी मोटिवेशन मिल जाएगी हमें कि हम इस तरह की और वीडियोस लाते रहें। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी, अगर फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी तो इनडायरेक्टली उसका बॉक्स ऑफिस भी अच्छा होगा एंड उसी के साथ साथ ये सारा कुछ जो है वो ऐसे ही चलता रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सारा कुछ। अगर आप लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तनासब मकदारें हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती रहती हैं। जिस तरह से हमारी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी उस तरह से हमारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बढ़ने का भी चांस बढ़ता रहता है। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो कास्टिंग में आप लोगों को आर माधवन, नीतू चंद्रा, सचिन खेडकर, दीपक डोबरियाल, रवि बाबू और मुरली शर्मा जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, क्या है क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा हॉरर प्लस म्यूजिक, जो कि लिटरली बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को ये सारा कुछ एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड IMDb रेटिंग क्या है, क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है जी 7.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 79% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है एंड इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी में जान भी होगी। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से विक्रम कुमार ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है। लेकिन यहीं पर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालेंगे कि इन्होंने पास्ट में कोई अच्छी मूवीज़ दी हैं या नहीं। तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में बहुत सारी अच्छी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर थैंक यू, नैनीज गैंग लीडर, हेलो, सिम्हा हकीड़ा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को 24, इश्क 13B और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए।
उसी के साथ साथ हम बात करेंगे ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी। बहुत ही ईजी अवेलेबल है, ये प्योर हिंदी जुबान में भी और तमिल में अवेलेबल कर दी गई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक मर्तबा देखना चाहिए। अगर यहीं पर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी, जॉर्ज पियर्स और राजेश सावने देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो पीसी श्रीराम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे। एडिटिंग को यहाँ पर श्रीकर प्रसाद ने संभाला। सॉन्ग्स एंड बीजीएम आप लोगों को यहाँ पर सुनने को मिलेंगे तो सॉन्ग्स को यहाँ पर शंकर, एहसान और लुई ने हैंडल किया एंड बीजीएम को यहाँ पर टूबी और पारिक ने संभाला है। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाइड एंगल क्रिएशंस देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है जिसने काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट किया है, तो एक चांस डेफिनेटली देना बनता। वेल तो जी आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर आजकल हॉरर, थ्रिल, फैंटेसी ये सारे के सारे जेनर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मूवी देखी जो कि एक हॉरर मूवी है एंड आई थिंक आप लोगों को भी ये देखनी चाहिए। आप लोगों ने आज तक जो हॉरर मूवीज़ देखी होंगी उनमें आप लोगों को देखा होगा कि एक लड़की है उसमें आत्मा आ जाती है, इस तरह की सारी हॉरर मूवीज़ आप लोगों ने देखी होगी एक लड़के में, लड़की में, या फिर ऐसी कुछ आप लोगों ने हॉरर मूवीज़ देखी होंगी। लेकिन आज जो हॉरर मूवी लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने ये हॉरर मूवी पहले देखी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13B फियर हैज़ अ न्यू ड्रेस। जी हाँ, यहाँ पर जो है वो फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एंड बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से डराने की कोशिश भी की गई है एंड अगर आप लोग बहुत छोटा दिल रखते हो तो आई थिंक आप लोग डर भी जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग हॉरर मूवीज़ देख चुके हैं बहुत सारी तो आप लोगों को आई थिंक डर नहीं लगेगा एंड आप लोग लिटरली इस मूवी को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे। बाकी यहाँ पर और भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है तो यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आप लोगों को आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को एक मर्तबा सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, चंद एक MBs ही जाएंगी लेकिन हमारी मोटिवेशन मिल जाएगी हमें कि हम इस तरह की और वीडियोस लाते रहें। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी, अगर फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी तो इनडायरेक्टली उसका बॉक्स ऑफिस भी अच्छा होगा एंड उसी के साथ साथ ये सारा कुछ जो है वो ऐसे ही चलता रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सारा कुछ। अगर आप लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तनासब मकदारें हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती रहती हैं। जिस तरह से हमारी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी उस तरह से हमारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बढ़ने का भी चांस बढ़ता रहता है। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो कास्टिंग में आप लोगों को आर माधवन, नीतू चंद्रा, सचिन खेडकर, दीपक डोबरियाल, रवि बाबू और मुरली शर्मा जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, क्या है क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में
देखने को मिलेगा, हॉरर प्लस म्यूजिक, जो कि लिटरली बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है। एंड आई थिंक आप लोगों को ये सारा कुछ एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड आईएमडीबी रेटिंग क्या है, क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 7.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 79% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। एंड इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी में जान भी होगी। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से विक्रम कुमार ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है। लेकिन यहीं पर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालेंगे कि इन्होंने पास्ट में कोई अच्छी मूवीज़ दी हैं या नहीं। तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में बहुत सारी अच्छी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर थैंक यू, नैनीज गैंग लीडर, हेलो, सिम्हा हकीड़ा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को 24, इश्क 13B, और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई, जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, बहुत ही ईजी अवेलेबल है। ये प्योर हिंदी जुबान में भी और तमिल में अवेलेबल कर दी गई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक मरतबा देखना चाहिए। अगर यहीं पर हम बात करें स्टोरी लाइन की, तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी, जॉर्ज पियर्स और राजेश सावने देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो PC श्रीराम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे। एडिटिंग को यहाँ पर श्रीकर प्रसाद ने संभाला। सॉन्ग्स एंड BGM आप लोगों को यहाँ पर सुनने को मिलेंगे, तो सॉन्ग्स को यहाँ पर शंकर, एहसान और लुई ने हैंडल किया एंड BGM को यहाँ पर टूबी और पारिक ने संभाला है। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाइड एंगल क्रिएशंस देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, जिसने काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट किया है, तो एक चांस डेफिनेटली देना बनता। वेल तो जी आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर आजकल हॉरर, थ्रिल, फैंटेसी, ये सारे के सारे जेनर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मूवी देखी जो कि एक हॉरर मूवी है एंड आई थिंक आप लोगों को भी ये देखनी चाहिए। आप लोगों ने आज तक जो हॉरर मूवीज़ देखी होंगी उनमें आप लोगों को देखा होगा कि एक लड़की है उसमें आत्मा आ जाती है, इस तरह की सारी हॉरर मूवीज़ आप लोगों ने देखी होगी, एक लड़के में, लड़की में, या फिर ऐसी कुछ आप लोगों ने हॉरर मूवीज़ देखी होंगी। लेकिन आज जो हॉरर मूवी लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने ये हॉरर मूवी पहले देखी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13B फियर हैज़ अ न्यू ड्रेस। जी हाँ, यहाँ पर जो है वो फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एंड बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से डराने की कोशिश भी की गई है एंड अगर आप लोग बहुत छोटा दिल रखते हो तो आई थिंक आप लोग डर भी जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग हॉरर मूवीज़ देख चुके हैं बहुत सारी, तो आप लोगों को आई थिंक डर नहीं लगेगा एंड आप लोग लिटरली इस मूवी को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे। बाकी यहाँ पर और भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है। स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है
या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को एक मरतबा सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, चंद एक MBs ही जाएंगी, लेकिन हमारी मोटिवेशन मिल जाएगी हमें कि हम इस तरह की और वीडियोस लाते रहें। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी, अगर फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी तो इनडायरेक्टली उसका बॉक्स ऑफिस भी अच्छा होगा एंड उसी के साथ साथ ये सारा कुछ जो है वो ऐसे ही चलता रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सारा कुछ। अगर आप लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तनासब मकदारें हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती रहती हैं। जिस तरह से हमारी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी उस तरह से हमारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बढ़ने का भी चांस बढ़ता रहता है। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो कास्टिंग में आप लोगों को आर माधवन, नीतू चंद्रा, सचिन खेडकर, दीपक डोबरियाल, रवि बाबू और मुरली शर्मा जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, क्या है क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा हॉरर प्लस म्यूजिक, जो कि लिटरली बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को ये सारा कुछ एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड IMDb रेटिंग क्या है, क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है जी 7.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 79% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है एंड इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी में जान भी होगी। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल किया बहुत ही अच्छे तरीके से विक्रम कुमार ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है। लेकिन यहीं पर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालेंगे कि इन्होंने पास्ट में कोई अच्छी मूवीज़ दी हैं या नहीं। तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में बहुत सारी अच्छी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर थैंक यू, नैनीज गैंग लीडर, हेलो, सिम्हा हकीड़ा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को 24, इश्क 13B और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई, जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, बहुत ही ईजी अवेलेबल है। ये प्योर हिंदी जुबान में भी और तमिल में अवेलेबल कर दी गई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक मरतबा देखना चाहिए। अगर यहीं पर हम बात करें स्टोरी लाइन की, तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी, जॉर्ज पियर्स और राजेश सावने देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो PC श्रीराम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे। एडिटिंग को यहाँ पर श्रीकर प्रसाद ने संभाला। सॉन्ग्स एंड BGM आप लोगों को यहाँ पर सुनने को मिलेंगे, तो सॉन्ग्स को यहाँ पर शंकर, एहसान और लुई ने हैंडल किया एंड BGM को यहाँ पर टूबी और पारिक ने संभाला है। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाइड एंगल क्रिएशंस देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, जिसने काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट किया है, तो एक चांस डेफिनेटली देना बनता है। वेल तो जी आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर आजकल हॉरर, थ्रिल, फैंटेसी ये सारे के सारे जेनर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मूवी देखी जो कि एक हॉरर मूवी है एंड आई थिंक आप लोगों को भी ये देखनी चाहिए।
आप लोगों ने आज तक जो हॉरर मूवीज देखी होंगी उनमें आप लोगों को देखा होगा कि एक लड़की है उसमें आत्मा आ जाती है, इस तरह की सारी हॉरर मूवीज आप लोगों ने देखी होगी, एक लड़के में लड़की में या फिर ऐसी कुछ आप लोगों ने हॉरर मूवीज देखी होंगी। लेकिन आज जो हॉरर मूवी लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने ये हॉरर मूवी पहले देखी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13B फियर हैज़ अ न्यू ड्रेस। जी हाँ, यहाँ पर जो है वो फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एंड बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से डराने की कोशिश भी की गई है। एंड अगर आप लोग बहुत छोटा दिल रखते हो तो आई थिंक आप लोग डर भी जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग हॉरर मूवीज़ देख चुके हैं बहुत सारी तो आप लोगों को आई थिंक डर नहीं लगेगा एंड आप लोग लिटरली इस मूवी को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे। बाकी यहाँ पर और भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को एक मरतबा सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, चंद एक MBs ही जाएंगी, लेकिन हमारी मोटिवेशन मिल जाएगी हमें कि हम इस तरह की और वीडियोस लाते रहें। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी, अगर फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी तो इनडायरेक्टली उसका बॉक्स ऑफिस भी अच्छा होगा एंड उसी के साथ साथ ये सारा कुछ जो है वो ऐसे ही चलता रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सारा कुछ। अगर आप लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तनासब मिकदारें हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती रहती हैं। जिस तरह से हमारी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी उस तरह से हमारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बढ़ने का भी चांस बढ़ता रहता है। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो कास्टिंग में आप लोगों को आर माधवन, नीतू चंद्रा, सचिन खेडकर, दीपक डोबरियाल, रवि बाबू और मुरली शर्मा जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, क्या है क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा हॉरर प्लस म्यूजिक, जो कि लिटरली बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को ये सारा कुछ एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड IMDb रेटिंग क्या है, क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है जी 7.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 79% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है एंड इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी में जान भी होगी। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल किया बहुत ही अच्छे तरीके से विक्रम कुमार ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है। लेकिन यहीं पर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालेंगे कि इन्होंने पास्ट में कोई अच्छी मूवीज़ दी हैं या नहीं। तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में बहुत सारी अच्छी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर थैंक यू, नैनीज गैंग लीडर, हेलो, सिम्हा हकीड़ा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को 24, इश्क, 13B और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए।
उसी के साथ साथ हम बात करेंगे ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी। बहुत ही ईजी अवेलेबल है, ये प्योर हिंदी जुबान में भी और तमिल में अवेलेबल कर दी गई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक मर्तबा देखना चाहिए। अगर यहीं पर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी, जॉर्ज पियर्स और राजेश सावने देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो पीसी श्रीराम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे। एडिटिंग को यहाँ पर श्रीकर प्रसाद ने संभाला। सॉन्ग्स एंड बीजीएम आप लोगों को यहाँ पर सुनने को मिलेंगे तो सॉन्ग्स को यहाँ पर शंकर, एहसान और लुई ने हैंडल किया एंड बीजीएम को यहाँ पर टुबी और पारिक ने संभाला है। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाइड एंगल क्रिएशंस देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है जिसने काफी अच्छा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट किया है, तो एक चांस डेफिनेटली देना बनता। वेल तो जी आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर आजकल हॉरर, थ्रिल, फैंटेसी ये सारे के सारे जेनर बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मूवी देखी जो कि एक हॉरर मूवी है एंड आई थिंक आप लोगों को भी ये देखनी चाहिए। आप लोगों ने आज तक जो हॉरर मूवीज़ देखी होंगी उनमें आप लोगों को देखा होगा कि एक लड़की है उसमें आत्मा आ जाती है, इस तरह की सारी हॉरर मूवीज़ आप लोगों ने देखी होगी एक लड़के में, लड़की में, या फिर ऐसी कुछ आप लोगों ने हॉरर मूवीज़ देखी होंगी। लेकिन आज जो हॉरर मूवी लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने ये हॉरर मूवी पहले देखी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13B फियर हैज़ अ न्यू ड्रेस। जी हाँ, यहाँ पर जो है वो फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एंड बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से डराने की कोशिश भी की गई है एंड अगर आप लोग बहुत छोटा दिल रखते हो तो आई थिंक आप लोग डर भी जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग हॉरर मूवीज़ देख चुके हैं बहुत सारी तो आप लोगों को आई थिंक डर नहीं लगेगा एंड आप लोग लिटरली इस मूवी को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे। बाकी यहाँ पर और भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है तो यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को एक मर्तबा सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, चंद एक MBs ही जाएंगी लेकिन हमारी मोटिवेशन मिल जाएगी हमें कि हम इस तरह की और वीडियोस लाते रहें। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी, अगर फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी तो इनडायरेक्टली उसका बॉक्स ऑफिस भी अच्छा होगा एंड उसी के साथ साथ ये सारा कुछ जो है वो ऐसे ही चलता रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सारा कुछ। अगर आप लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तनासब मिकदारें हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती रहती हैं। जिस तरह से हमारी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी उस तरह से हमारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बढ़ने का भी चांस बढ़ता रहता है। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो कास्टिंग में आप लोगों को आर माधवन, नीतू चंद्रा, सचिन खेडकर, दीपक डोबरियाल, रवि बाबू और मुरली शर्मा जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, क्या है क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा हॉरर प्लस म्यूजिक जो कि लिटरली बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को ये सारा कुछ एक मर्तबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए।
उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड आईएमडीबी रेटिंग क्या है, क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 7.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 79% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। एंड इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी में जान भी होगी। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल किया बहुत ही अच्छे तरीके से विक्रम कुमार ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है। लेकिन यहीं पर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालेंगे कि इन्होंने पास्ट में कोई अच्छी मूवीज़ दी हैं या नहीं। तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में बहुत सारी अच्छी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर थैंक यू, नैनीज गैंग लीडर, हेलो, सिम्हा हकीड़ा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को 24, इश्क 13B, और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई, जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी। बहुत ही ईजी अवेलेबल है, ये प्योर हिंदी जुबान में भी और तमिल में अवेलेबल कर दी गई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक मर्तबा देखना चाहिए। अगर यहीं पर हम बात करें स्टोरी लाइन की, तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी, जॉर्ज पियर्स और राजेश सावने देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो PC श्रीराम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे। एडिटिंग को यहाँ पर श्रीकर प्रसाद ने संभाला। सॉन्ग्स एंड BGM आप लोगों को यहाँ पर सुनने को मिलेंगे, तो सॉन्ग्स को यहाँ पर शंकर, एहसान और लुई ने हैंडल किया एंड BGM को यहाँ पर टूबी और पारिक ने संभाला है। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाइड एंगल क्रिएशंस देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, जिसने काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट किया है, तो एक चांस डेफिनेटली देना बनता। वेल तो जी आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर आजकल हॉरर, थ्रिल, फैंटेसी, ये सारे के सारे जेनर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मूवी देखी जो कि एक हॉरर मूवी है एंड आई थिंक आप लोगों को भी ये देखनी चाहिए। आप लोगों ने आज तक जो हॉरर मूवीज़ देखी होंगी उनमें आप लोगों को देखा होगा कि एक लड़की है उसमें आत्मा आ जाती है, इस तरह की सारी हॉरर मूवीज़ आप लोगों ने देखी होगी, एक लड़के में, लड़की में, या फिर ऐसी कुछ आप लोगों ने हॉरर मूवीज़ देखी होंगी। लेकिन आज जो हॉरर मूवी लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने ये हॉरर मूवी पहले देखी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13B, फियर हैज़ अ न्यू ड्रेस। जी हाँ, यहाँ पर जो है वो फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एंड बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से डराने की कोशिश भी की गई है एंड अगर आप लोग बहुत छोटा दिल रखते हो तो आई थिंक आप लोग डर भी जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग हॉरर मूवीज़ देख चुके हैं बहुत सारी, तो आप लोगों को आई थिंक डर नहीं लगेगा एंड आप लोग लिटरली इस मूवी को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे। बाकी यहाँ पर और भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को एक मर्तबा सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, चंद एक MBs ही जाएंगी, लेकिन हमारी मोटिवेशन मिल जाएगी हमें कि हम इस तरह की और वीडियोस लाते रहें। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी, अगर फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी तो इनडायरेक्टली उसका बॉक्स ऑफिस भी अच्छा होगा। एंड उसी के साथ साथ ये सारा कुछ जो है वो ऐसे ही चलता रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सारा कुछ। अगर आप लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तनासब मिकदारें हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती रहती हैं। जिस तरह से हमारी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी उस तरह से हमारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बढ़ने का भी चांस बढ़ता रहता है। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को आर माधवन, नीतू चंद्रा, सचिन खेडकर, दीपक डोबरियाल, रवि बाबू और मुरली शर्मा जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, क्या है क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा हॉरर प्लस म्यूजिक, जो कि लिटरली बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है। एंड आई थिंक आप लोगों को ये सारा कुछ एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड IMDb रेटिंग क्या है, क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है जी 7.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 79% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। एंड इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी में जान भी होगी। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल किया बहुत ही अच्छे तरीके से विक्रम कुमार ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है। लेकिन यहीं पर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालेंगे कि इन्होंने पास्ट में कोई अच्छी मूवीज़ दी हैं या नहीं। तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में बहुत सारी अच्छी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर थैंक यू, नैनीज गैंग लीडर, हेलो, सिम्हा हकीड़ा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को 24, इश्क 13B, और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई, जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, बहुत ही ईजी अवेलेबल है। ये प्योर हिंदी जुबान में भी और तमिल में अवेलेबल कर दी गई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक मरतबा देखना चाहिए। अगर यहीं पर हम बात करें स्टोरी लाइन की, तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी, जॉर्ज पियर्स और राजेश सावने देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो PC श्रीराम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे। एडिटिंग को यहाँ पर श्रीकर प्रसाद ने संभाला। सॉन्ग्स एंड BGM आप लोगों को यहाँ पर सुनने को मिलेंगे, तो सॉन्ग्स को यहाँ पर शंकर, एहसान और लुई ने हैंडल किया एंड BGM को यहाँ पर टूबी और पारिक ने संभाला है। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाइड एंगल क्रिएशंस देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, जिसने काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट किया है, तो एक चांस डेफिनेटली देना बनता। वेल तो जी I don't know, लेकिन यहाँ पर आजकल हॉरर, थ्रिल, फैंटेसी ये सारे के सारे जेनर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मूवी देखी जो कि एक हॉरर मूवी है एंड आई थिंक आप लोगों को भी ये देखनी चाहिए। आप लोगों ने आज तक जो हॉरर मूवीज़ देखी होंगी उनमें आप लोगों को देखा होगा कि एक लड़की है उसमें आत्मा आ जाती है, इस तरह की सारी हॉरर मूवीज़ आप लोगों ने देखी होगी, एक लड़के में, लड़की में, या फिर ऐसी कुछ आप लोगों ने हॉरर मूवीज़ देखी होंगी। लेकिन आज जो हॉरर मूवी लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने ये हॉरर मूवी पहले देखी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13B, फियर हैज़ अ न्यू ड्रेस,
जी हाँ, यहाँ पर जो है वो फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एंड बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से डराने की कोशिश भी की गई है। एंड अगर आप लोग बहुत छोटा दिल रखते हो तो आई थिंक आप लोग डर भी जाओगे, लेकिन हाँ अगर आप लोग हॉरर मूवीज़ देख चुके हैं बहुत सारी तो आप लोगों को आई थिंक डर नहीं लगेगा एंड आप लोग लिटरली इस मूवी को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे। बाकी यहाँ पर और भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को एक मर्तबा सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, चंद एक MB ही जाएंगी, लेकिन हमारी मोटिवेशन मिल जाएगी हमें कि हम इस तरह की और वीडियोस लाते रहें, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी, अगर फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी तो इनडायरेक्टली उसका बॉक्स ऑफिस भी अच्छा होगा एंड उसी के साथ साथ ये सारा कुछ जो है वो ऐसे ही चलता रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सारा कुछ। अगर आप लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तनासब मकदारें हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती रहती हैं। जिस तरह से हमारी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी उस तरह से हमारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बढ़ने का भी चांस बढ़ता रहता है। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो कास्टिंग में आप लोगों को आर माधवन, नीतू चंद्रा, सचिन खेडकर, दीपक डोबरियाल, रवि बाबू और मुरली शर्मा जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, क्या है क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा हॉरर प्लस म्यूजिक, जो कि लिटरली बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को ये सारा कुछ एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड IMDb रेटिंग क्या है, क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है जी 7.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 79% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है एंड इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी में जान भी होगी। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल किया बहुत ही अच्छे तरीके से विक्रम कुमार ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है। लेकिन यहीं पर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालेंगे कि इन्होंने पास्ट में कोई अच्छी मूवीज़ दी हैं या नहीं। तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में बहुत सारी अच्छी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर थैंक यू, नैनीज गैंग लीडर, हेलो, सिम्हा हकीड़ा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को 24, इश्क 13B और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है, तो ये एक प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई, जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, बहुत ही ईजी अवेलेबल है, ये प्योर हिंदी जुबान में भी और तमिल में अवेलेबल कर दी गई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक मरतबा देखना चाहिए।
अगर यहीं पर हम बात करें स्टोरी लाइन की, तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी, जॉर्ज पियर्स और राजेश सावने देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो पीसी श्रीराम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे। एडिटिंग को यहाँ पर श्रीकर प्रसाद ने संभाला। सॉन्ग्स एंड बीजीएम आप लोगों को यहाँ पर सुनने को मिलेंगे, तो सॉन्ग्स को यहाँ पर शंकर, एहसान और लुई ने हैंडल किया, एंड बीजीएम को यहाँ पर टुब्बी और पारिक ने संभाला है। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाइड एंगल क्रिएशंस देखने को मिलेंगे, एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है जिसने काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट किया है, तो एक चांस डेफिनेटली देना बनता। वेल तो जी आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर आजकल हॉरर, थ्रिल, फैंटेसी ये सारे के सारे जेनर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मूवी देखी जो कि एक हॉरर मूवी है, एंड आई थिंक आप लोगों को भी ये देखनी चाहिए। आप लोगों ने आज तक जो हॉरर मूवीज़ देखी होंगी उनमें आप लोगों को देखा होगा कि एक लड़की है उसमें आत्मा आ जाती है, इस तरह की सारी हॉरर मूवीज़ आप लोगों ने देखी होगी, एक लड़के में, लड़की में, या फिर ऐसी कुछ आप लोगों ने हॉरर मूवीज़ देखी होंगी। लेकिन आज जो हॉरर मूवी लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने ये हॉरर मूवी पहले देखी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13B फियर हैज़ अ न्यू ड्रेस। जी हाँ, यहाँ पर जो है वो फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, एंड बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से डराने की कोशिश भी की गई है। एंड अगर आप लोग बहुत छोटा दिल रखते हो तो आई थिंक आप लोग डर भी जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग हॉरर मूवीज़ देख चुके हैं बहुत सारी, तो आप लोगों को आई थिंक डर नहीं लगेगा, एंड आप लोग लिटरली इस मूवी को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे। बाकी यहाँ पर और भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को एक मर्तबा सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, चंद एक MBs ही जाएंगी, लेकिन हमारी मोटिवेशन मिल जाएगी हमें कि हम इस तरह की और वीडियोस लाते रहें। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा, एंड मूवी ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी, अगर फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी तो इनडायरेक्टली उसका बॉक्स ऑफिस भी अच्छा होगा, एंड उसी के साथ साथ ये सारा कुछ जो है वो ऐसे ही चलता रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सारा कुछ। अगर आप लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तनासब मिकदारें हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती रहती हैं। जिस तरह से हमारी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी उस तरह से हमारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बढ़ने का भी चांस बढ़ता रहता है। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो कास्टिंग में आप लोगों को आर माधवन, नीतू चंद्रा, सचिन खेडकर, दीपक डोबरियाल, रवि बाबू और मुरली शर्मा जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, क्या है क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा हॉरर प्लस म्यूजिक, जो कि लिटरली बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है, एंड आई थिंक आप लोगों को ये सारा कुछ एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है, एंड IMDb रेटिंग क्या है, क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है, एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है जी 7.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है, एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 79% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है।
है, एंड इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी में जान भी होगी। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल किया बहुत ही अच्छे तरीके से विक्रम कुमार ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है। लेकिन यहीं पर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालेंगे कि इन्होंने पास्ट में कोई अच्छी मूवीज़ दी हैं या नहीं। तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में बहुत सारी अच्छी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर थैंक यू, नैनीज गैंग लीडर, हेलो, सिम्हा हकीड़ा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को 24, इश्क 13B, और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई, जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, बहुत ही ईजी अवेलेबल है। ये प्योर हिंदी जुबान में भी और तमिल में अवेलेबल कर दी गई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक मरतबा देखना चाहिए। अगर यहीं पर हम बात करें स्टोरी लाइन की, तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी, जॉर्ज पियर्स और राजेश सावने देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो PC श्रीराम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे। एडिटिंग को यहाँ पर श्रीकर प्रसाद ने संभाला। सॉन्ग्स एंड BGM आप लोगों को यहाँ पर सुनने को मिलेंगे, तो सॉन्ग्स को यहाँ पर शंकर, एहसान और लुई ने हैंडल किया एंड BGM को यहाँ पर टुब्बी और पारिक ने संभाला है। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाइड एंगल क्रिएशंस देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, जिसने काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट किया है, तो एक चांस डेफिनेटली देना बनता है। वेल तो जी, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर आजकल हॉरर, थ्रिल, फैंटेसी, ये सारे के सारे जेनर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मूवी देखी जो कि एक हॉरर मूवी है एंड आई थिंक आप लोगों को भी ये देखनी चाहिए। आप लोगों ने आज तक जो हॉरर मूवीज़ देखी होंगी उनमें आप लोगों को देखा होगा कि एक लड़की है उसमें आत्मा आ जाती है, इस तरह की सारी हॉरर मूवीज़ आप लोगों ने देखी होगी, एक लड़के में, लड़की में, या फिर ऐसी कुछ आप लोगों ने हॉरर मूवीज़ देखी होंगी। लेकिन आज जो हॉरर मूवी लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने ये हॉरर मूवी पहले देखी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13B, फियर हैज़ अ न्यू ड्रेस। जी हाँ, यहाँ पर जो है वो फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एंड बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से डराने की कोशिश भी की गई है। एंड अगर आप लोग बहुत छोटा दिल रखते हो तो आई थिंक आप लोग डर भी जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग हॉरर मूवीज़ देख चुके हैं बहुत सारी, तो आप लोगों को आई थिंक डर नहीं लगेगा एंड आप लोग लिटरली इस मूवी को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे। बाकी यहाँ पर और भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को एक मरतबा सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, चंद एक MB ही जाएंगी, लेकिन हमारी मोटिवेशन मिल जाएगी हमें कि हम इस तरह की और वीडियोस लाते रहें। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी, अगर फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी तो इनडायरेक्टली उसका बॉक्स ऑफिस भी अच्छा होगा एंड उसी के साथ साथ ये सारा कुछ जो है वो ऐसे ही चलता रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सारा कुछ। अगर आप लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तनासब मकदारें हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती रहती हैं। जिस तरह से हमारी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी उस तरह से हमारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बढ़ने का भी चांस बढ़ता रहता है।
बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को आर माधवन, नीतू चंद्रा, सचिन खेडकर, दीपक डोबरियाल, रवि बाबू और मुरली शर्मा जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, क्या है क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा हॉरर प्लस म्यूजिक, जो कि लिटरली बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है। एंड आई थिंक आप लोगों को ये सारा कुछ एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड आईएमडीबी रेटिंग क्या है, क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 7.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 79% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। एंड इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी में जान भी होगी। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल की है बहुत ही अच्छे तरीके से विक्रम कुमार ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है। लेकिन यहीं पर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालेंगे कि इन्होंने पास्ट में कोई अच्छी मूवीज़ दी हैं या नहीं। तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में बहुत सारी अच्छी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर थैंक यू, नैनीज गैंग लीडर, हेलो, सिम्हा हकीड़ा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को 24, इश्क 13B, और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई, जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, बहुत ही ईजी अवेलेबल है। ये प्योर हिंदी जुबान में भी और तमिल में अवेलेबल कर दी गई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक मरतबा देखना चाहिए। अगर यहीं पर हम बात करें स्टोरी लाइन की, तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी, जॉर्ज पियर्स और राजेश सावने देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो PC श्रीराम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे। एडिटिंग को यहाँ पर श्रीकर प्रसाद ने संभाला। सॉन्ग्स एंड BGM आप लोगों को यहाँ पर सुनने को मिलेंगे, तो सॉन्ग्स को यहाँ पर शंकर, एहसान और लुई ने हैंडल किया एंड BGM को यहाँ पर टुब्बी और पारिक ने संभाला है। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाइड एंगल क्रिएशंस देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, जिसने काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट किया है, तो एक चांस डेफिनेटली देना बनता है। वेल तो जी आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर आजकल हॉरर, थ्रिल, फैंटेसी ये सारे के सारे जेनर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मूवी देखी जो कि एक हॉरर मूवी है एंड आई थिंक आप लोगों को भी ये देखनी चाहिए। आप लोगों ने आज तक जो हॉरर मूवीज़ देखी होंगी उनमें आप लोगों को देखा होगा कि एक लड़की है उसमें आत्मा आ जाती है, इस तरह की सारी हॉरर मूवीज़ आप लोगों ने देखी होगी, एक लड़के में, लड़की में, या फिर ऐसी कुछ आप लोगों ने हॉरर मूवीज़ देखी होंगी। लेकिन आज जो हॉरर मूवी लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने ये हॉरर मूवी पहले देखी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13B, फियर हैज़ अ न्यू ड्रेस। जी हाँ, यहाँ पर जो है वो फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एंड बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से डराने की कोशिश भी की गई है। एंड अगर आप लोग बहुत छोटा दिल रखते हो तो आई थिंक आप लोग डर भी जाओगे।
लेकिन हाँ, अगर आप लोग हॉरर मूवीज देख चुके हैं बहुत सारी, तो आप लोगों को आई थिंक डर नहीं लगेगा एंड आप लोग लिटरली इस मूवी को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे। बाकी यहाँ पर और भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को एक मर्तबा सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, चंद एक MB ही जाएंगी, लेकिन हमारी मोटिवेशन मिल जाएगी हमें कि हम इस तरह की और वीडियोज़ लाते रहें। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी, अगर फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी तो इनडायरेक्टली उसका बॉक्स ऑफिस भी अच्छा होगा एंड उसी के साथ साथ ये सारा कुछ जो है वो ऐसे ही चलता रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सारा कुछ। अगर आप लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तनासब मकदारें हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती रहती हैं। जिस तरह से हमारी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी उस तरह से हमारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बढ़ने का भी चांस बढ़ता रहता है। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो कास्टिंग में आप लोगों को आर माधवन, नीतू चंद्रा, सचिन खेडकर, दीपक डोबरियाल, रवि बाबू और मुरली शर्मा जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, क्या है क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा हॉरर प्लस म्यूजिक, जो कि लिटरली बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को ये सारा कुछ एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड IMDB रेटिंग क्या है, क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 79% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है एंड इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी में जान भी होगी। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल किया बहुत ही अच्छे तरीके से विक्रम कुमार ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है। लेकिन यहीं पर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालेंगे कि आए इन्होंने पास्ट में कोई अच्छी मूवीज़ दी हैं या नहीं। तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में बहुत सारी अच्छी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर थैंक यू, नैनीज गैंग लीडर, हेलो, सिम्हा हकीड़ा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को 24, इश्क 13B और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है, तो ये एक प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई, जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, बहुत ही ईजी अवेलेबल है, ये प्योर हिंदी जुबान में भी और तमिल में अवेलेबल कर दी गई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक मर्तबा देखना चाहिए। अगर यहीं पर हम बात करें स्टोरी लाइन की, तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी, जॉर्ज पियर्स और राजेश सावने देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो PC श्रीराम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे। एडिटिंग को यहाँ पर श्रीकर प्रसाद ने संभाला। सॉन्ग्स एंड BGM आप लोगों को यहाँ पर सुनने को मिलेंगे, तो सॉन्ग्स को यहाँ पर शंकर, एहसान और लुई ने हैंडल किया एंड BGM को यहाँ पर टूबी और पारिक ने संभाला है।
प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाइड एंगल क्रिएशंस देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है जिसने काफी अच्छा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट किया है, तो एक चांस डेफिनेटली देना बनता है। वेल तो जी आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर आजकल हॉरर, थ्रिल, फैंटेसी ये सारे के सारे जेनर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मूवी देखी जो कि एक हॉरर मूवी है एंड आई थिंक आप लोगों को भी ये देखनी चाहिए। आप लोगों ने आज तक जो हॉरर मूवीज़ देखी होंगी उनमें आप लोगों को देखा होगा कि एक लड़की है उसमें आत्मा आ जाती है, इस तरह की सारी हॉरर मूवीज़ आप लोगों ने देखी होगी, एक लड़के में, लड़की में, या फिर ऐसी कुछ आप लोगों ने हॉरर मूवीज़ देखी होंगी। लेकिन आज जो हॉरर मूवी लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने ये हॉरर मूवी पहले देखी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2009 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13B फियर हैज़ अ न्यू ड्रेस। जी हाँ, यहाँ पर जो है वो फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एंड बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से डराने की कोशिश भी की गई है। एंड अगर आप लोग बहुत छोटा दिल रखते हो तो आई थिंक आप लोग डर भी जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग हॉरर मूवीज़ देख चुके हैं बहुत सारी तो आप लोगों को आई थिंक डर नहीं लगेगा एंड आप लोग लिटरली इस मूवी को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे। बाकी यहाँ पर और भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को एक मर्तबा सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, चंद एक MB ही जाएंगे, लेकिन हमारी मोटिवेशन मिल जाएगी हमें कि हम इस तरह की और वीडियोज़ लाते रहें। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी, अगर फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी तो इनडायरेक्टली उसका बॉक्स ऑफिस भी अच्छा होगा एंड उसी के साथ साथ ये सारा कुछ जो है वो ऐसे ही चलता रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सारा कुछ। अगर आप लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तनासब मकदारें हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती रहती हैं। जिस तरह से हमारी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी उस तरह से हमारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बढ़ने का भी चांस बढ़ता रहता है। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो कास्टिंग में आप लोगों को आर माधवन, नीतू चंद्रा, सचिन खेडकर, दीपक डोबरियाल, रवि बाबू और मुरली शर्मा जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, क्या है क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा हॉरर प्लस म्यूजिक, जो कि लिटरली बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को ये सारा कुछ एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड IMDB रेटिंग क्या है, क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 79% तक लाइक किया गया, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज भी है एंड इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए।
अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मजा भी आएगा एंड मूवी में जान भी होगी। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल किया बहुत ही अच्छे तरीके से विक्रम कुमार ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है। लेकिन यहीं पर हम उनकी पास्ट मूवीज पर नजर डालेंगे कि आए इन्होंने पास्ट में कोई अच्छी मूवीज दी हैं या नहीं। तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में बहुत सारी अच्छी मूवीज दी हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर थैंक यू, नैनीज गैंग लीडर, हेलो, सिम्हा हकीड़ा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को 24, इश्क 13B, और भी बहुत सारी मूवीज इन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई, जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, बहुत ही ईजी अवेलेबल है। ये प्योर हिंदी जुबान में भी और तमिल में अवेलेबल कर दी गई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक मर्तबा देखना चाहिए। अगर यहीं पर हम बात करें स्टोरी लाइन की, तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी, जॉर्ज पियर्स और राजेश सावने देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो PC श्रीराम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे। एडिटिंग को यहाँ पर श्रीकर प्रसाद ने संभाला। सॉन्ग्स एंड BGM आप लोगों को यहाँ पर सुनने को मिलेंगे, तो सॉन्ग्स को यहाँ पर शंकर, एहसान और लुई ने हैंडल किया एंड BGM को यहाँ पर टुब्बी और पारिक ने संभाला है। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाइड एंगल क्रिएशंस देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है जिसने काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट किया है, तो एक चांस डेफिनेटली देना बनता है। वेल तो जी, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर आजकल हॉरर, थ्रिल, फैंटेसी, ये सारे के सारे जेनर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मूवी देखी जो कि एक हॉरर मूवी है एंड आई थिंक आप लोगों को भी ये देखनी चाहिए। आप लोगों ने आज तक जो हॉरर मूवीज़ देखी होंगी उनमें आप लोगों को देखा होगा कि एक लड़की है उसमें आत्मा आ जाती है, इस तरह की सारी हॉरर मूवीज़ आप लोगों ने देखी होगी, एक लड़के में, लड़की में, या फिर ऐसी कुछ आप लोगों ने हॉरर मूवीज़ देखी होंगी। लेकिन आज जो हॉरर मूवी लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने ये हॉरर मूवी पहले देखी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13B, फियर हैज़ अ न्यू ड्रेस। जी हाँ, यहाँ पर जो है वो फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एंड बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से डराने की कोशिश भी की गई है। एंड अगर आप लोग बहुत छोटा दिल रखते हो तो आई थिंक आप लोग डर भी जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग हॉरर मूवीज़ देख चुके हैं बहुत सारी, तो आप लोगों को आई थिंक डर नहीं लगेगा एंड आप लोग लिटरली इस मूवी को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे। बाकी यहाँ पर और भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को एक मर्तबा सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, चंद एक MBs ही जाएंगे, लेकिन हमारी मोटिवेशन मिल जाएगी हमें कि हम इस तरह की और वीडियोज़ लाते रहें। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी, अगर फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी तो इनडायरेक्टली उसका बॉक्स ऑफिस भी अच्छा होगा एंड उसी के साथ साथ ये सारा कुछ जो है वो ऐसे ही चलता रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सारा कुछ। अगर आप लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तनासब मकदारें हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती रहती हैं। जिस तरह से हमारी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी उस तरह से हमारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बढ़ने का भी चांस बढ़ता रहता है।
बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को आर माधवन, नीतू चंद्रा, सचिन खेडकर, दीपक डोबरियाल, रवि बाबू और मुरली शर्मा जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, क्या है क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा हॉरर प्लस म्यूजिक, जो कि लिटरली बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है। एंड आई थिंक आप लोगों को ये सारा कुछ एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड IMDb रेटिंग क्या है, क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है जी 7.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 79% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। एंड इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी में जान भी होगी। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल की है बहुत ही अच्छे तरीके से विक्रम कुमार ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है। लेकिन यहीं पर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालेंगे कि आए इन्होंने पास्ट में कोई अच्छी मूवीज़ दी हैं या नहीं। तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में बहुत सारी अच्छी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर थैंक यू, नैनीज गैंग लीडर, हेलो, सिम्हा हकीड़ा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को 24, इश्क 13B, और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई, जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, बहुत ही ईजी अवेलेबल है। ये प्योर हिंदी जुबान में भी और तमिल में अवेलेबल कर दी गई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक मरतबा देखना चाहिए। अगर यहीं पर हम बात करें स्टोरी लाइन की, तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी, जॉर्ज पियर्स और राजेश सावने देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो PC श्रीराम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे। एडिटिंग को यहाँ पर श्रीकर प्रसाद ने संभाला। सॉन्ग्स एंड BGM आप लोगों को यहाँ पर सुनने को मिलेंगे, तो सॉन्ग्स को यहाँ पर शंकर, एहसान और लुई ने हैंडल किया एंड BGM को यहाँ पर टुब्बी और पारिक ने संभाला है। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाइड एंगल क्रिएशंस देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, जिसने काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट किया है, तो एक चांस डेफिनेटली देना बनता है। वेल तो जी, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर आजकल हॉरर, थ्रिल, फैंटेसी, ये सारे के सारे जेनर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मूवी देखी जो कि एक हॉरर मूवी है एंड आई थिंक आप लोगों को भी ये देखनी चाहिए। आप लोगों ने आज तक जो हॉरर मूवीज़ देखी होंगी उनमें आप लोगों को देखा होगा कि एक लड़की है उसमें आत्मा आ जाती है, इस तरह की सारी हॉरर मूवीज़ आप लोगों ने देखी होगी, एक लड़के में, लड़की में, या फिर ऐसी कुछ आप लोगों ने हॉरर मूवीज़ देखी होंगी। लेकिन आज जो हॉरर मूवी लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने ये हॉरर मूवी पहले देखी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13B, फियर हैज़ अ न्यू ड्रेस। जी हाँ, यहाँ पर जो है वो फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एंड बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से डराने की कोशिश भी की गई है
एंड अगर आप लोग बहुत छोटा दिल रखते हो तो आई थिंक आप लोग डर भी जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग हॉरर मूवीज़ देख चुके हैं बहुत सारी, तो आप लोगों को आई थिंक डर नहीं लगेगा एंड आप लोग लिटरली इस मूवी को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे। बाकी यहाँ पर और भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को एक मर्तबा सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, चंद एक MB ही जाएंगे, लेकिन हमारी मोटिवेशन मिल जाएगी हमें कि हम इस तरह की और वीडियोज़ लाते रहें। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी, अगर फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी तो इनडायरेक्टली उसका बॉक्स ऑफिस भी अच्छा होगा एंड उसी के साथ साथ ये सारा कुछ जो है वो ऐसे ही चलता रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सारा कुछ। अगर आप लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तनासब मकदारें हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती रहती हैं। जिस तरह से हमारी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी उस तरह से हमारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बढ़ने का भी चांस बढ़ता रहता है। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो कास्टिंग में आप लोगों को आर माधवन, नीतू चंद्रा, सचिन खेडकर, दीपक डोबरियाल, रवि बाबू और मुरली शर्मा जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, क्या है क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा हॉरर प्लस म्यूजिक, जो कि लिटरली बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को ये सारा कुछ एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड IMDb रेटिंग क्या है, क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है जी 7.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 79% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है एंड इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी में जान भी होगी। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल किया बहुत ही अच्छे तरीके से विक्रम कुमार ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है। लेकिन यहीं पर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालेंगे कि आ इन्होंने पास्ट में कोई अच्छी मूवीज़ दी हैं या नहीं। तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में बहुत सारी अच्छी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर थैंक यू, नैनीज गैंग लीडर, हेलो, सिम्हा हकीड़ा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को 24, इश्क 13B और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई, जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी। बहुत ही ईजी अवेलेबल है, ये प्योर हिंदी जुबान में भी और तमिल में अवेलेबल कर दी गई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक मर्तबा देखना चाहिए। अगर यहीं पर हम बात करें स्टोरी लाइन की, तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी, जॉर्ज पियर्स और राजेश सावने देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो PC श्रीराम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे। एडिटिंग को यहाँ पर श्रीकर प्रसाद ने संभाला। सॉन्ग्स एंड BGM आप लोगों को यहाँ पर सुनने को मिलेंगे, तो सॉन्ग्स को यहाँ पर शंकर, एहसान और लुई ने हैंडल किया एंड BGM को यहाँ पर टूबी और पारिक ने संभाला है।
प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाइड एंगल क्रिएशंस देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है जिसने काफी अच्छा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट किया है, तो एक चांस डेफिनेटली देना बनता है। वेल तो जी आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर आजकल हॉरर, थ्रिल, फैंटेसी ये सारे के सारे जेनर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मूवी देखी जो कि एक हॉरर मूवी है एंड आई थिंक आप लोगों को भी ये देखनी चाहिए। आप लोगों ने आज तक जो हॉरर मूवीज़ देखी होंगी उनमें आप लोगों को देखा होगा कि एक लड़की है उसमें आत्मा आ जाती है, इस तरह की सारी हॉरर मूवीज़ आप लोगों ने देखी होगी, एक लड़के में, लड़की में, या फिर ऐसी कुछ आप लोगों ने हॉरर मूवीज़ देखी होंगी। लेकिन आज जो हॉरर मूवी लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने ये हॉरर मूवी पहले देखी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13B फियर हैज़ अ न्यू ड्रेस। जी हाँ, यहाँ पर जो है वो फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एंड बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से डराने की कोशिश भी की गई है। एंड अगर आप लोग बहुत छोटा दिल रखते हो तो आई थिंक आप लोग डर भी जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग हॉरर मूवीज़ देख चुके हैं बहुत सारी तो आप लोगों को आई थिंक डर नहीं लगेगा एंड आप लोग लिटरली इस मूवी को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे। बाकी यहाँ पर और भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आप लोगों को आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को एक मरतबा सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, चंद एक MBs ही जाएंगे, लेकिन हमारी मोटिवेशन मिल जाएगी हमें कि हम इस तरह की और वीडियोस लाते रहें। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी, अगर फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी तो इनडायरेक्टली उसका बॉक्स ऑफिस भी अच्छा होगा एंड उसी के साथ साथ ये सारा कुछ जो है वो ऐसे ही चलता रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सारा कुछ। अगर आप लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तनासब मकदारें हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती रहती हैं। जिस तरह से हमारी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी उस तरह से हमारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बढ़ने का भी चांस बढ़ता रहता है। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो कास्टिंग में आप लोगों को आर माधवन, नीतू चंद्रा, सचिन खेडकर, दीपक डोबरियाल, रवि बाबू और मुरली शर्मा जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, क्या है क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा हॉरर प्लस म्यूजिक, जो कि लिटरली बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को ये सारा कुछ एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड IMDb रेटिंग क्या है, क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है जी 7.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 79% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है एंड इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी में जान भी होगी। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल किया बहुत ही अच्छे तरीके से विक्रम कुमार ने,
जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है। लेकिन यहीं पर हम उनकी पास्ट मूवीज पर नजर डालेंगे कि आ इन्होंने पास्ट में कोई अच्छी मूवीज दी हैं या नहीं। तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में बहुत सारी अच्छी मूवीज दी हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर थैंक यू, नैनीज गैंग लीडर, हेलो, सिम्हा हकीड़ा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को 24, इश्क 13B, और भी बहुत सारी मूवीज इन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी। बहुत ही ईजी अवेलेबल है, ये प्योर हिंदी जुबान में भी और तमिल में अवेलेबल कर दी गई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक मर्तबा देखना चाहिए। अगर यहीं पर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी, जॉर्ज पियर्स और राजेश सावने देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो PC श्रीराम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे। एडिटिंग को यहाँ पर श्रीकर प्रसाद ने संभाला। सॉन्ग्स एंड BGM आप लोगों को यहाँ पर सुनने को मिलेंगे, तो सॉन्ग्स को यहाँ पर शंकर, एहसान और लुई ने हैंडल किया एंड BGM को यहाँ पर टूबी और पारिक ने संभाला है। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाइड एंगल क्रिएशंस देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है जिसने काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट किया है, तो एक चांस डेफिनेटली देना बनता है। वेल तो जी आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर आजकल हॉरर, थ्रिल, फैंटेसी ये सारे के सारे जेनर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मूवी देखी जो कि एक हॉरर मूवी है एंड आई थिंक आप लोगों को भी ये देखनी चाहिए। आप लोगों ने आज तक जो हॉरर मूवीज़ देखी होंगी उनमें आप लोगों को देखा होगा कि एक लड़की है उसमें आत्मा आ जाती है, इस तरह की सारी हॉरर मूवीज़ आप लोगों ने देखी होगी, एक लड़के में, लड़की में, या फिर ऐसी कुछ आप लोगों ने हॉरर मूवीज़ देखी होंगी। लेकिन आज जो हॉरर मूवी लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने ये हॉरर मूवी पहले देखी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2009 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13B फियर हैज़ अ न्यू ड्रेस। जी हाँ, यहाँ पर जो है वो फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एंड बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से डराने की कोशिश भी की गई है एंड अगर आप लोग बहुत छोटा दिल रखते हो तो आई थिंक आप लोग डर भी जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग हॉरर मूवीज़ देख चुके हैं बहुत सारी तो आप लोगों को आई थिंक डर नहीं लगेगा एंड आप लोग लिटरली इस मूवी को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे। बाकी यहाँ पर और भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को एक मरतबा सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, चंद एक MBs ही जाएंगे, लेकिन हमारी मोटिवेशन मिल जाएगी हमें कि हम इस तरह की और वीडियोस लाते रहें। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी, अगर फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी तो इनडायरेक्टली उसका बॉक्स ऑफिस भी अच्छा होगा एंड उसी के साथ साथ ये सारा कुछ जो है वो ऐसे ही चलता रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सारा कुछ। अगर आप लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तनासब मकदारें हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती रहती हैं। जिस तरह से हमारी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी उस तरह से हमारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बढ़ने का भी चांस बढ़ता रहता है।
बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को आर माधवन, नीतू चंद्रा, सचिन खेडकर, दीपक डोबरियाल, रवि बाबू और मुरली शर्मा जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, क्या है क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा हॉरर प्लस म्यूजिक, जो कि लिटरली बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है। एंड आई थिंक आप लोगों को ये सारा कुछ एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड IMDb रेटिंग क्या है, क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है जी 7.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 79% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। एंड इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी में जान भी होगी। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल की है बहुत ही अच्छे तरीके से विक्रम कुमार ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है। लेकिन यहीं पर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालेंगे कि आ इन्होंने पास्ट में कोई अच्छी मूवीज़ दी हैं या नहीं। तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में बहुत सारी अच्छी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर थैंक यू, नैनीज गैंग लीडर, हेलो, सिम्हा हकीड़ा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को 24, इश्क 13B, और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई, जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी। बहुत ही ईजी अवेलेबल है, ये प्योर हिंदी जुबान में भी और तमिल में अवेलेबल कर दी गई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक मरतबा देखना चाहिए। अगर यहीं पर हम बात करें स्टोरी लाइन की, तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी, जॉर्ज पियर्स और राजेश सावने देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो PC श्रीराम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे। एडिटिंग को यहाँ पर श्रीकर प्रसाद ने संभाला। सॉन्ग्स एंड BGM आप लोगों को यहाँ पर सुनने को मिलेंगे, तो सॉन्ग्स को यहाँ पर शंकर, एहसान और लुई ने हैंडल किया एंड BGM को यहाँ पर टुबी और पारिक ने संभाला है। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाइड एंगल क्रिएशंस देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, जिसने काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट किया है, तो एक चांस डेफिनेटली देना बनता है। वेल तो जी, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर आजकल हॉरर, थ्रिल, फैंटेसी, ये सारे के सारे जेनर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मूवी देखी जो कि एक हॉरर मूवी है एंड आई थिंक आप लोगों को भी ये देखनी चाहिए। आप लोगों ने आज तक जो हॉरर मूवीज़ देखी होंगी उनमें आप लोगों को देखा होगा कि एक लड़की है उसमें आत्मा आ जाती है, इस तरह की सारी हॉरर मूवीज़ आप लोगों ने देखी होगी, एक लड़के में, लड़की में, या फिर ऐसी कुछ आप लोगों ने हॉरर मूवीज़ देखी होंगी। लेकिन आज जो हॉरर मूवी लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने ये हॉरर मूवी पहले देखी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13B, फियर हैज़ अ न्यू ड्रेस। जी हाँ, यहाँ पर जो है वो फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एंड बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से डराने की कोशिश भी की गई है
एंड अगर आप लोग बहुत छोटा दिल रखते हो तो आई थिंक आप लोग डर भी जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग हॉरर मूवीज़ देख चुके हैं बहुत सारी, तो आप लोगों को आई थिंक डर नहीं लगेगा एंड आप लोग लिटरली इस मूवी को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे। बाकी यहाँ पर और भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आप लोगों को आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को एक मरतबा सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, चंद एक MBs ही जाएंगे, लेकिन हमारी मोटिवेशन मिल जाएगी हमें कि हम इस तरह की और वीडियोज़ लाते रहें। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी, अगर फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी तो इनडायरेक्टली उसका बॉक्स ऑफिस भी अच्छा होगा एंड उसी के साथ साथ ये सारा कुछ जो है वो ऐसे ही चलता रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सारा कुछ। अगर आप लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तनासब मिकदारें हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती रहती हैं। जिस तरह से हमारी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी उस तरह से हमारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बढ़ने का भी चांस बढ़ता रहता है। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को आर माधवन, नीतू चंद्रा, सचिन खेडकर, दीपक डोबरियाल, रवि बाबू और मुरली शर्मा जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, क्या है क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा हॉरर प्लस म्यूजिक, जो कि लिटरली बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को ये सारा कुछ एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड IMDb रेटिंग क्या है, क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है जी 7.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 79% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है एंड इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी में जान भी होगी। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल किया बहुत ही अच्छे तरीके से विक्रम कुमार ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है। लेकिन यहीं पर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालेंगे कि आ इन्होंने पास्ट में कोई अच्छी मूवीज़ दी हैं या नहीं। तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में बहुत सारी अच्छी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर थैंक यू, नैनीज गैंग लीडर, हेलो, सिम्हा हकीड़ा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को 24, इश्क 13B और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसके साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई, जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी। बहुत ही ईजी अवेलेबल है, ये प्योर हिंदी जुबान में भी और तमिल में अवेलेबल कर दी गई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक मरतबा देखना चाहिए। अगर यहीं पर हम बात करें स्टोरी लाइन की, तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी, जॉर्ज पियर्स और राजेश सावने देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो PC श्रीराम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे। एडिटिंग को यहाँ पर श्रीकर प्रसाद ने संभाला। सॉन्ग्स एंड BGM आप लोगों को यहाँ पर सुनने को मिलेंगे, तो सॉन्ग्स को यहाँ पर शंकर, एहसान और लुई ने हैंडल किया एंड BGM को यहाँ पर टू बी और पारिक ने संभाला है।
प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाइड एंगल क्रिएशंस देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है जिसने काफी अच्छा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट किया है, तो एक चांस डेफिनेटली देना बनता है। वेल तो जी आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर आजकल हॉरर, थ्रिल, फैंटेसी ये सारे के सारे जेनर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मूवी देखी जो कि एक हॉरर मूवी है एंड आई थिंक आप लोगों को भी ये देखनी चाहिए। आप लोगों ने आज तक जो हॉरर मूवीज़ देखी होंगी उनमें आप लोगों को देखा होगा कि एक लड़की है उसमें आत्मा आ जाती है, इस तरह की सारी हॉरर मूवीज़ आप लोगों ने देखी होगी, एक लड़के में, लड़की में, या फिर ऐसी कुछ आप लोगों ने हॉरर मूवीज़ देखी होंगी। लेकिन आज जो हॉरर मूवी लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने ये हॉरर मूवी पहले देखी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13B फियर हैज़ अ न्यू ड्रेस। जी हाँ, यहाँ पर जो है वो फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एंड बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से डराने की कोशिश भी की गई है। एंड अगर आप लोग बहुत छोटा दिल रखते हो तो आई थिंक आप लोग डर भी जाओगे, लेकिन हाँ अगर आप लोग हॉरर मूवीज़ देख चुके हैं बहुत सारी तो आप लोगों को आई थिंक डर नहीं लगेगा एंड आप लोग लिटरली इस मूवी को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे। बाकी यहाँ पर और भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आप लोगों को आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को एक मरतबा सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, चंद एक MBs ही जाएंगे, लेकिन हमारी मोटिवेशन मिल जाएगी हमें कि हम इस तरह की और वीडियोस लाते रहें। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी, अगर फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी तो इनडायरेक्टली उसका बॉक्स ऑफिस भी अच्छा होगा एंड उसी के साथ साथ ये सारा कुछ जो है वो ऐसे ही चलता रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सारा कुछ। अगर आप लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तनासब मकदारें हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती रहती हैं। जिस तरह से हमारी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी उस तरह से हमारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बढ़ने का भी चांस बढ़ता रहता है। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को आर माधवन, नीतू चंद्रा, सचिन खेडकर, दीपक डोबरियाल, रवि बाबू और मुरली शर्मा जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, क्या है क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा हॉरर प्लस म्यूजिक, जो कि लिटरली बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को ये सारा कुछ एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड IMDb रेटिंग क्या है, क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है जी 7.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 79% तक लाइक किया गया, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज भी है एंड इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी में जान भी होगी। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल किया बहुत ही अच्छे तरीके से विक्रम कुमार ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है। लेकिन यहीं पर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालेंगे कि हाँ इन्होंने पास्ट में कोई अच्छी मूवीज़ दी हैं या नहीं। तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में बहुत सारी अच्छी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर थैंक यू,
जो नैनीज गैंग लीडर हेलो सिम्हा हकीड़ा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को 24, इश्क 13B और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है, तो ये एक प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई, जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, बहुत ही ईजी अवेलेबल है। ये प्योर हिंदी जुबान में भी और तमिल में अवेलेबल कर दी गई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है, जिसे हिसाब से आप लोगों को एक मर्तबा देखना चाहिए। अगर यहीं पर हम बात करें स्टोरी लाइन की, तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी, जॉर्ज पियर्स और राजेश सावने देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो PC श्रीराम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे। एडिटिंग को यहाँ पर श्रीकर प्रसाद ने संभाला। सॉन्ग्स एंड BGM आप लोगों को यहाँ पर सुनने को मिलेंगे, तो सॉन्ग्स को यहाँ पर शंकर एहसान और लुई ने हैंडल किया एंड BGM को यहाँ पर टुब्बी और पारिक ने संभाला है। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाइड एंगल क्रिएशंस देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, जिसने काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट किया है, तो एक चांस डेफिनेटली देना बन। वेल तो जी आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर आजकल हॉरर थ्रिल फैंटेसी ये सारे के सारे जेनर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मूवी देखी जो कि एक हॉरर मूवी है एंड आई थिंक आप लोगों को भी ये देखनी चाहिए। आप लोगों ने आज तक जो हॉरर मूवीज़ देखी होंगी उनमें आप लोगों को देखा होगा कि एक लड़की है उसमें आत्मा आ जाती है, इस तरह की सारी हॉरर मूवीज़ आप लोगों ने देखी होगी, एक लड़के में लड़की में या फिर ऐसी कुछ आप लोगों ने हॉरर मूवीज़ देखी होंगी। लेकिन आज जो हॉरर मूवी लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने ये हॉरर मूवी पहले देखी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13B फियर हैज़ अ न्यू ड्रेस। जी हाँ, यहाँ पर जो है वो फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एंड बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से डराने की कोशिश भी की गई है एंड अगर आप लोग बहुत छोटा दिल रखते हो तो आई थिंक आप लोग डर भी जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग हॉरर मूवीज़ देख चुके हैं बहुत सारी, तो आप लोगों को आई थिंक डर नहीं लगेगा एंड आप लोग लिटरली इस मूवी को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे। बाकी यहाँ पर और भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आप लोगों को आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को एक मर्तबा सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, चंद एक MBs ही जाएंगी, लेकिन हमारी मोटिवेशन मिल जाएगी हमें कि हम इस तरह की और वीडियोस लाते रहें, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी, अगर फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी तो इनडायरेक्टली उसका बॉक्स ऑफिस भी अच्छा होगा एंड उसी के साथ साथ ये सारा कुछ जो है वो ऐसे ही चलता रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सारा कुछ। अगर आप लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तनासब मकदारें हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती रहती हैं। जिस तरह से हमारी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी उस तरह से हमारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बढ़ने का भी चांस बढ़ता रहता है। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो कास्टिंग में आप लोगों को आर माधवन, नीतू चंद्रा, सचिन खेडकर, दीपक डोबरियाल, रवि बाबू और मुरली शर्मा जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स देखने को मिलेंगे।
लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा हॉरर प्लस म्यूजिक, जो कि लिटरली बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है। एंड आई थिंक आप लोगों को ये सारा कुछ एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड आईएमडीबी रेटिंग क्या है, क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 7.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 79% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। एंड इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी में जान भी होगी। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से विक्रम कुमार ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है। लेकिन यहीं पर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालेंगे कि हाँ इन्होंने पास्ट में कोई अच्छी मूवीज़ दी हैं या नहीं। तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में बहुत सारी अच्छी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर थैंक यू, नैनीज गैंग लीडर, हेलो, सिम्हा हकीड़ा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को 24, इश्क 13B, और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई, जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी। बहुत ही ईजी अवेलेबल है, ये प्योर हिंदी जुबान में भी और तमिल में अवेलेबल कर दी गई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है, जिसे हिसाब से आप लोगों को एक मरतबा देखना चाहिए। अगर यहीं पर हम बात करें स्टोरी लाइन की, तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी, जॉर्ज पियर्स और राजेश सावने देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो पीसी श्रीराम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे। एडिटिंग को यहाँ पर श्रीकर प्रसाद ने संभाला। सॉन्ग्स एंड बीजीएम आप लोगों को यहाँ पर सुनने को मिलेंगे, तो सॉन्ग्स को यहाँ पर शंकर, एहसान और लुई ने हैंडल किया एंड बीजीएम को यहाँ पर टुब्बी और पारिक ने संभाला है। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाइड एंगल क्रिएशंस देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, जिसने काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट किया है, तो एक चांस डेफिनेटली देना बनता है। वेल तो जी, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर आजकल हॉरर, थ्रिल, फैंटेसी, ये सारे के सारे जेनर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मूवी देखी जो कि एक हॉरर मूवी है एंड आई थिंक आप लोगों को भी ये देखनी चाहिए। आप लोगों ने आज तक जो हॉरर मूवीज़ देखी होंगी उनमें आप लोगों को देखा होगा कि एक लड़की है उसमें आत्मा आ जाती है, इस तरह की सारी हॉरर मूवीज़ आप लोगों ने देखी होगी, एक लड़के में, लड़की में, या फिर ऐसी कुछ आप लोगों ने हॉरर मूवीज़ देखी होंगी। लेकिन आज जो हॉरर मूवी लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने ये हॉरर मूवी पहले देखी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी 13B, फियर हैज़ अ न्यू ड्रेस। जी हाँ, यहाँ पर जो है वो फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एंड बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से डराने की कोशिश भी की गई है। एंड अगर आप लोग बहुत छोटा दिल रखते हो तो आई थिंक आप लोग डर भी जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग हॉरर मूवीज़ देख चुके हैं बहुत सारी, तो आप लोगों को आई थिंक डर नहीं लगेगा एंड आप लोग लिटरली इस मूवी को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे। बाकी यहाँ पर और भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है। स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है,
है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को एक मरतबा सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, चंद एक MBs ही जाएंगी, लेकिन हमारी मोटिवेशन मिल जाएगी हमें कि हम इस तरह की और वीडियोस लाते रहें। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी, अगर फ़ैन फॉलोइंग अच्छी होगी तो इनडायरेक्टली उसका बॉक्स ऑफिस भी अच्छा होगा। एंड उसी के साथ साथ ये सारा कुछ जो है वो ऐसे ही चलता रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सारा कुछ। अगर आप लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तनासब मकदारें हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती रहती हैं। जिस तरह से हमारी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी उस तरह से हमारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बढ़ने का भी चांस बढ़ता रहता है। बाकी उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को आर माधवन, नीतू चंद्रा, सचिन खेडकर, दीपक डोबरियाल, रवि बाबू और मुरली शर्मा जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जेनर क्या है, हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, क्या है क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा हॉरर प्लस म्यूजिक, जो कि लिटरली बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्ले किया गया है। एंड आई थिंक आप लोगों को ये सारा कुछ एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड IMDb रेटिंग क्या है, क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है जी 7.3 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 79% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। एंड इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी देखने में मज़ा भी आएगा एंड मूवी में जान भी होगी। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल किया बहुत ही अच्छे तरीके से विक्रम कुमार ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है। लेकिन यहीं पर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालेंगे कि हाँ इन्होंने पास्ट में कोई अच्छी मूवीज़ दी हैं या नहीं। तो जी हाँ, इन्होंने पास्ट में बहुत सारी अच्छी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर थैंक यू, नैनीज गैंग लीडर, हेलो, सिम्हा हकीड़ा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को 24, इश्क 13B, और भी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक प्योर तमिल लैंग्वेज की मूवी बनाई गई, जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, बहुत ही ईजी अवेलेबल है। ये प्योर हिंदी जुबान में भी और तमिल में अवेलेबल कर दी गई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक मरतबा देखना चाहिए। अगर यहीं पर हम बात करें स्टोरी लाइन की, तो विक्रम कुमार और अभिनव कश्यप ने इस मूवी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को सुरेश बालाजी, जॉर्ज पियर्स और राजेश सावने देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो PC श्रीराम आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे। एडिटिंग को यहाँ पर श्रीकर प्रसाद ने संभाला। सॉन्ग्स एंड BGM आप लोगों को यहाँ पर सुनने को मिलेंगे, तो सॉन्ग्स को यहाँ पर शंकर, एहसान और लुई ने हैंडल किया एंड BGM को यहाँ पर टुब्बी और पारिक ने संभाला है। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाइड एंगल क्रिएशंस देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बिग पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, जिसने काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट किया है, तो एक चांस डेफिनेटली देना बनता है।